देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 जो है इसका जो नाम है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर दो पोर्शन है, एक है मैथमेटिकल इंडक्शन का पोर्शन और एक है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जब आएगा तो तभी हम डिस्कस कर लेंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। सवाल ये कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं छोटी सी आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूं कि ये बेसिकली टॉपिक जो है ये प्योर मैथमेटिक्स का है। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब ये समझ लो कि नॉर्मली प्रूफ, थ्योरम्स, स्टेटमेंट्स, उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। एक पोर्शन है लॉजिक का जो कि आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड में फर्स्ट ईयर के अंदर ये एक चैप्टर पढ़ाया जाता है लॉजिक के नाम से। अलग से चैप्टर नहीं है, टॉपिक है, उसके अंदर काफी चीजें होती हैं। तो लॉजिक के अंदर नॉर्मली स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोपोजिशन, सब चीजें। तो ये उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ने लगे हो। ये टॉपिक बेसिकली बना इसलिए है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है। अच्छा, सबसे पहले हर चीज को इग्नोर करो। अभी एक वर्ड है जो आप लोग बहुत दफा पढ़ोगे, उस वर्ड को आप कहते हो प्रोपोजिशन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी स्पेलिंग यही है ना, प्रोपोजिशन। हाँ, अब सवाल, अच्छा इसको लिखते किस तरीके से, इसको पी एन करके लिखते हैं। सवाल है कि प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन बच्चों एक स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट के दो आंसर हो सकते हैं, या तो स्टेटमेंट ठीक हो सकती है या स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, मतलब या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूं कि आज बारिश हो, बहुत ही एक टिपिकल एग्जांपल है कि आज बारिश हो रही है, तो या तो बारिश हो रही होगी या बारिश नहीं हो रही होगी। अगर मैं किसी खास एरिया की बात कर रहा हूं, अगर एक पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं बनेगी, क्योंकि किसी एरिया में बारिश हो रही होगी, किसी एरिया में बारिश नहीं हो रही होगी। जबकि प्रोपोजिशन कहती है कि एक ही आंसर होना चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ऐसा ना हो कि ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, वो प्रोपोजिशन नहीं कहलाती। तो अगर आप किसी खास एरिया की बात करते हो, वहां पर या तो बारिश हो रही होगी, क्या मैसेज सर कैमरा कहाँ भाई, बाद में डिस्कस करना। या तो बारिश हो रही होगी या बारिश नहीं हो रही होगी, ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी खास एरिया की अगर आप बात करो। तो अगर कोई स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उस स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हो, प्रोपोजिशन। कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट होती है जिनके बैक वक्त दोनों आंसर हो सकते हैं। जैसे एक तो मैंने बताया ना, इसी स्टेटमेंट पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, अब पूरे मुल्क में कहीं बारिश हो सकती है कहीं नहीं बारिश हो सकती है, तो बैक वक्त ये स्टेटमेंट ट्रू भी होगी, बैक वक्त ये स्टेटमेंट फॉल्स भी होगी, तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की फील्ड के अंदर, कि जैसे कोई दवाई होती है कि किसी को वो फायदा दे रही होती है, किसी को फायदा नहीं दे रही होती। तो अगर कोई क्लेम करेगी ये चीज जो है सर के दर्द के लिए होती है, सर का दर्द अगर ठीक करेगी, तो किसी का वो ठीक कर रही है, किसी का वो नहीं ठीक कर रही है, तो बैक वक्त वो ट्रू भी है, बैक वक्त वो फॉल्स भी है। तो बाय द वे इसका एक नाम होता है, मेरे जहन से निकल गया है, ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, उसका कोई नाम होता है, पता नहीं मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल जो प्रोपोजिशन आप लोगों ने पढ़ी है वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात, आप कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रूफ करनी है, जो बेसिकली टेक्निक पढ़े हुए टेक्निक होती है, कोई स्टेटमेंट अगर आपको प्रूफ करनी है, क्या मतलब इसका, प्रूफ करने का मतलब क्या होगा। हाँ, तो हमने जो ये पूरा मेथड पढ़ना है ना, ये पूरे मेथड में आपने क्या पढ़ना है कि किसी स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है। अब कोई तो बच्चों वाली स्टेटमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ 2n इज इवन नंबर, एक स्टेटमेंट है। अब आपने बतानी है कि स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात करते हैं, कि अगर आपको नेचुरल एन की वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल एन की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट करो, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो पूरी चीज है ये क्या होगी, इवन नंबर होगी। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसके लिए कोई मेथड आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यार अगर मैं इसमें एन की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर 2 आएगा, मैं 2 पुट करूंगा आंसर 6 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, मैं 3 पुट करूंगा 6 आएगा, 4 पुट करूंगा 8 आएगा, मतलब जो भी मैं नेचुरल वैल्यू यहां पे पुट करूंगा आंसर मुझे क्या मिलेगा, हमेशा इवन ही मिलेगा। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसके लिए आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो कि यार ये प्रूव हो रही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से कोई इजी फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 अप टू एन राउंड, इस पूरी सीरीज का सम जो है वो इसके बराबर है। अब अगेन इस चीज के लिए आपको कोई अलग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये पूरी एक अरिथमेटिक सीरीज है, आप इस अरिथमेटिक सीरीज पे फॉर्मूला लगा के मालूम कर सकते हो कि इसका सम का फॉर्मूला ये है। तो आपको कोई अलग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अरिथमेटिक सीरीज से
ये बात वेरीफाई कर सकते हो कि इस पूरी चीज का सम जो है वो इसके बराबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आपने कोई अलग मेथड नहीं इसका पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको ये मेथड पढ़ने की जरूरत है, उस स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, ये बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, फेडरल की बुक में उन्होंने मेंशन किए गए, पंजाब बोर्ड में मिल जाएगी आपको ये, ठीक है ना, एन स्क्वायर प्लस 41 है। तो ये स्टेटमेंट है इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट में आपको क्या दे रहा हूं कि ये जो पूरी चीज है प्राइम नंबर है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कुछ भी नेचुरल पुट कर दो यहाँ पे, आंसर जो है वो आपके पास हमेशा प्राइम नंबर आएगा। अब सवाल है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो अपना आप। फॉर एग्जाम्पल सेवन, सबसे पहला प्राइम नंबर है टू, टू के देखो दो फैक्टर है, एक वन है और एक टू है। इसी तरीके से थ्री जो है वो भी प्राइम नंबर है, उसका एक फैक्टर वन है और एक थ्री है। फाइव जो है वो भी प्राइम नंबर है, इसी तरह सेवन हो गया, इसी तरह इलेवन हो गया। नाइन नहीं हो सकता क्योंकि नाइन के तीन फैक्टर है, वन थ्री और नाइन। बाकी डिटेल अगर आपने सर्च करनी हो आपको मिल जाएगी। तो ये वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इसमें आप एन की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। अब देखो कितनी स्टेटमेंट ऐसी हैं कि जिसमें आप जैसे ये वाली स्टेटमेंट थी, इसमें आपने एन की कुछ वैल्यूज पुट की, आपको आइडिया हो गया यार कि ये स्टेटमेंट ठीक है, आपको एन की ऑल नेचुरल पे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि शुरू शुरू की वैल्यूज आप पुट करोगे, आप ये बात 100% कह सकते हो कि आंसर इवन ही आएगा इसका, आपको सब नेचुरल वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो स्टेटमेंट है जिसमें अगर आप ये एज्यूम कर लो कि यार एन की शुरू की वैल्यूज मैं पुट करता हूं, अगर स्टेटमेंट ठीक है तो मैं बोलूंगा सब नेचुरल नंबर के लिए ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? इसमें अगर आप नेचुरल नंबर शुरू के अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो स्टेटमेंट ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एन की जगह यहाँ पे वन पुट करते हो तो आंसर आपके पास आएगा 41। 41 एक प्राइम नंबर है। अगर आप एन की जगह टू पुट करते हो, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे टू पुट किया, आंसर आएगा 43। 43 भी एक प्राइम नंबर है। अगर आप एन की जगह थ्री पुट करते हो, थ्री का स्क्वायर नाइन, आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है 47। 47 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर आप एन की शुरू की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टेटमेंट तो ठीक है। अगर इसकी बेसिस पे आपने बोल दिया कि यार सब नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ठीक है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह चलते जाओ, एक खास एन की वैल्यू है 41, अगर आप यहाँ पे एन की जगह 41 पुट करोगे तो आंसर प्राइम नहीं आएगा। आप पुट करके देख लो, तो मैं यहाँ पे 41 पुट करूंगा, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर, एन की जगह 41 पुट किया प्लस 41 अपनी जगह पे, ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट में आ रहा है 41 का स्क्वायर। अच्छा मुझे नहीं मतलब कि 41 का स्क्वायर क्या है, जब भी आप किसी नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए तो प्राइम तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 9 का स्क्वायर, अब मुझे पता है 9 का स्क्वायर 81 है, लेकिन मैं 81 को छोड़ दो, 9 का स्क्वायर कभी भी प्राइम नंबर हो नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 41 पुट करूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो प्राइम नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखना, अगर एक वैल्यू पे भी आपकी स्टेटमेंट गलत है तो वो गलत मानी जाएगी, ये रूल होता है। मैं बात करूं सब नेचुरल नंबर की, अगर एक नेचुरल नंबर भी स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है, इसका मतलब वो आपके स्टेटमेंट गलत है, इस चीज को ध्यान रखना। उसका मतलब अगर आप मैनुअली पुट करके देख रहे हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी भी वैल्यूज हैं जो आपसे इग्नोर हो जाएंगी। आप अगर बेसिक सा कोई बच्चा हो तो शुरू की तीन चार वैल्यू पुट करेगा और कहेगा स्टेटमेंट ठीक है, उसको क्या पता कि यार 41 पे आंसर गलत हो रहा है। तो उसका मतलब आपको कोई मेथड चाहिए जो मेथड आपको 100% ये बात गारंटी करके देगा कि यार ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, किसी मेथड की जरूरत है, वरना इन जगहों पे जाके आपका मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। तो आप मैन्युअली पुट करके स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको पूरा मेथड चाहिए। उस मेथड को आप क्या बोलते हो, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इंडक्शन का वर्ड भी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा क्यों डाला है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आप किसी स्टेटमेंट को किसी थ्योरम को प्रूफ करते हो। जितने भी आपके थ्योरम है आप मैथमेटिकल इंडक्शन से उसको प्रूफ कर सकते हो। बायनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़ोगे उसका प्रूफ भी मैथमेटिकल इंडक्शन से हो सकता है। तो जितने आपके पास थ्योरम्स हैं, फॉर्मूले हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको जैसे स्टेटमेंट कहलाई जाएगी, इसको आप फॉर्मूला कह सकते हो कि भाई सीरीज का फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूले हो गए, स्टेटमेंट हो गए, थ्योरम हो गए, इन सबको आप मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से प्रूफ कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मली आप नेचुरल नंबर यहाँ पे लेते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, मे बी नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते ना। आप बोलते हो भाई एन ग्रेटर देन फोर, मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या स्टेटमेंट फोर और फोर से ग्रेटर वाले नंबर्स पे ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को मेरे पास लिखी हुई थी, एक सेकेंड,
हाँ ये स्टेटमेंट है 2 की पावर n इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये जो स्टेटमेंट है आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इस पे, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पे। अब जरूरी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बुक वालों ने नीचे मेंशन किया हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। बुक ने नाम नहीं दिया हुआ लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन को एक्सटेंड किया हुआ है। बेसिक मैथमेटिकल इंडक्शन तो ये होता है कि आप स्टार्ट करते हो वन वैल्यू से, नेचुरल नंबर वन होता है ना, वन वैल्यू से आप स्टार्ट करते हो और आप देखते हो क्या आपकी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन कितने ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आप वन से स्टार्ट नहीं कर रहे, या तो फोर से स्टार्ट कर रहे हो, फाइव से स्टार्ट कर रहे हो, या नेगेटिव नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने नेचुरल नंबर को ट्रीट करना है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों के जो सवाल में गिवन है ना वो या तो नेचुरल गिवन होंगे या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होंगी कि फोर से स्टार्ट हो रहा होगा, थ्री से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगर आपकी वैल्यूज वन से स्टार्ट ना हो, फोर से स्टार्ट हो या थ्री से स्टार्ट हो या टेन से स्टार्ट हो रही हो, तो इसको बुक वाला नाम दिया हुआ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, 19-20 का फर्क होगा, वो जब मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे अब ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट आपको प्रूव ही करनी है n की वैल्यूज ग्रेटर के ऊपर। बाय द वे इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप प्रूव कर सकते हो और वैसे भी वैल्यूज पुट करके आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट दिखने में आपको इजी लगती है, जैसे वाली स्टेटमेंट थी, इसके लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं, आप आसानी से बता सकते हो। सेम इसी तरह इसके लिए आपको कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बता सकते हो स्टेटमेंट ठीक है n की वैल्यूज 4 से ग्रेटर पे, क्योंकि 4 से कम वैल्यूज पे ठीक नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट करो 2 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। क्या 4 जो है वो 2 से लेस होता है? 4 इज लेस देन 2, नहीं, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने n की वैल्यू 2 पुट किया है यहाँ पे। इसी तरह n की वैल्यू आप 3 पुट करो तब भी स्टेटमेंट गलत होगी। आपने प्रूफ ये स्टेटमेंट करनी है 4 या 4 से ग्रेटर पे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पुट करो 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 16, 4 फैक्टोरियल होता है 24, आपको पता है 16 जो है वो लेस देन 24 होता है। इसी तरह आप n की जगह पे 5 पुट करो, जब आप n की जगह 5 पुट करोगे ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5 32 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 32 जो है वो लेस देन 120 है। आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो ये वाली टर्म जो है ना ये थोड़ी आहिस्ता इंक्रीज होगी, फैक्टोरियल वाली टर्म बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। जैसे अब अगर मैं 2 की पावर 6 करूंगा तो 2 की पावर 6 क्या होगा? 64, 32 और फिर 64। लेकिन अगर मैं 6 फैक्टोरियल करूंगा तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने दिया है। तो 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, अब देखो कितनी बड़ी जंप है। तो आप ये देख के बता सकते हो कि मैं जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं ये वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाए और ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाए, नहीं, आपकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, ये वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी और ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती जाएगी। तो इसके लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेथड से प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले समझ लिया मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों आप पढ़ रहे हो, क्या रीजन है इसकी, अच्छा क्या इसके बगैर गुजारा हो सकता है, भाई इस सिचुएशन में गुजारा हो सकता है, इसमें गुजारा हो सकता है, लेकिन इसमें गुजारा नहीं होगा, आप फंसा हो गया, तो उसका मतलब आपको जरूरत है एक मेथड की, ठीक है। फिर हमने मेथड को पढ़ा, मेथड n इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट हो सकता है या मेथड जो है वो n की कोई और वैल्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। अब रही बात कि मेथड है क्या, किस तरीके से ये वाली स्टेटमेंट है या कोई और स्टेटमेंट है आप उसको प्रूफ करोगे, क्या प्रोसीजर होगा, उस पर जरा मान सकते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ना पूरा, इसको नॉर्मली अगर आप मेजोरिटी जगहों पे देखो जब ये समझाया जाता है ना तो इसकी लॉजिक बहुत ही कम टीचर समझाते हैं, क्योंकि लॉजिक समझाना इसका इजी नहीं है। नॉर्मली इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं और टीचर वो 2 स्टेप बताते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है, लॉजिक बच्चों को समझ आए ना आए क्वेश्चन आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चे भी खुश टीचर भी खुश। इसको समझाना मुश्किल है, अगले के जहन में डालना कि यार ये 2 काम आप क्यों कर रहे हो, ये बड़ा मुश्किल है। तो खैर मैं कोशिश करूंगा शुरू की 5-6 मिनट में, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा, इतना टाइम नहीं है, 5-6 मिनट में कोशिश करूंगा कि बता दो ये 2 स्टेप आप कर क्यों रहे हो। सबसे पहले 2 स्टेप को समझ लेते हैं, फिर हम जरा कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है इसके अंदर। जब भी कोई स्टेटमेंट आपके पास आएगी ना, एक काम करता हूं मैं, एक सवाल आप लोगों के साथ सॉल्व भी करवा देता हूं और बताऊंगा किस तरीके से करना है। एक काम काम करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं 7.1 का, पहला वाला क्वेश्चन तो बच्चों वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन जरा देख करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3 + 6 + 9 डॉट 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 प्लस 3n 3/2n मल्टीप्लाई n+1।
सवाल क्या लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। पॉजिटिव इंटीजर एन का मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को आप कहते हो, तो उसका मतलब आपने स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना है। अब सवाल है कि क्या होता है, किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, अब जरा गौर से समझो, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझा जाता हूं और सवाल भी आप लोग समझते जाओगे। आपको प्रूफ कर रहे हैं कि जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे सीरीज लिखी हुई है, इस पूरी सीरीज का सम जो है वो आप इस फॉर्मूले के जरिए से निकाल सकते हो। इस पूरी सीरीज का सम जो है वो आप इस फॉर्मूले के जरिए से निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, आपको नहीं बात पता क्या वाकई इस पूरी सीरीज का सम इसके बराबर है या नहीं है, आपको तो नहीं पता ही। यही चीज आपको प्रूफ करनी है कि भाई क्या इस पूरी चीज का सम इसके बराबर है या नहीं है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। इन अदर वर्ड्स ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है एन की हर वैल्यू के ऊपर। भाई कुछ वैल्यूज के ऊपर तो बात हो सकती है ना, क्या एन की हर वैल्यू पे स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, जरा प्रोसीजर को समझो। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आनी चाहिए, एक गेम होता है जिसको आप कहते हो डोमिनो गेम, डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं इसको। वो अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में एक टीवी पे एड आता था टक का, टक के बिस्किट जो थे वो क्या करते थे, टक के बिस्किट को वैसे भी आपने देखा होगा, आप चीजें अरेंज करते हो। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक आपने यहाँ रखा, इसके सामने एक ब्लॉक रखा, फिर इसके सामने रखा, फिर इसके सामने रखा। जब आप पहले ब्लॉक को गिराते हो ना, वो दूसरे के ऊपर गिरता है, वो तीसरे के ऊपर गिरेगा, वो चौथे के ऊपर गिरेगा, सारे एक साथ गिर रहे होंगे। ये एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लगेगा, इसको आप कहते हो डोमिनो इफेक्ट। तो आप लोग गूगल करके देख सकते हो इसको। तो एक जब आप गिराते हो उसका अगला गिरता है, फिर उससे अगला गिरता है, तो उस एड में ना टक के एड में टक बिस्किट जो होते थे उसमें दिखाते एक टक का बिस्किट गिरा है, फिर दूसरा गिर रहा है, फिर तीसरा गिर रहा है, पूरा उस लाइन में जो आपने अरेंज किए हुए सारे आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे होते हैं। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कैसे, अभी आपको समझ आएगा। किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने प्रूफ करना है ना बच्चों, तो सबसे ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर है कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, दो स्टेप है यहाँ पे। जिस पहला स्टेप जो है आपका, जिसको आप बेस केस कहते हो, वो क्या है कि आप यहां पे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई द प्रोपोजिशन फॉर एन इज इक्वल टू वन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो इनिशियल वैल्यू है आपने देखना है क्या आपकी स्टेटमेंट इनिशियल वैल्यू पे पूरा उतर रही है या नहीं है। जैसे इसको इस तरह समझो कि डोमिनो में पहली चीज आपकी गिरनी चाहिए, पहली चीज गिरेगी तो सारी चीजें गिरेंगी वरना नहीं गिरेंगी। आप इस तरह समझ लो, वो जो सारे बिस्किट होते थे ना, वो सारे नेचुरल नंबर की वैल्यूज है, नेचुरल नंबर की वन वैल्यू, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो एन की सारी वैल्यूज पे ठीक है, तो उसके लिए लाजमी ये होना चाहिए कि पहला बिस्किट गिरना चाहिए। पहला बिस्किट गिरेगा तो बाकी गिरेंगे। अगर पहला बिस्किट नहीं गिर रहा, दरमियान का बिस्किट गिर रहा है, इसका मतलब शुरू की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो पहला बिस्किट लाजमी गिरना चाहिए, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो लाजमी आपकी स्टेटमेंट उस पर ठीक होनी चाहिए। इसको आप कहते हो बेस केस, जो पहली वैल्यू है उस पर आपकी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। तो ये तो पहला केस होता है। तो जरा चेक करते हैं, n इक्वल टू वन पे आप देखना चाह रहे हो कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस फॉर्मूले में एन की जगह पे वन पुट करूंगा, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर फोर में, चैप्टर नंबर फाइव में बात बताई है कि जब आप सम के फॉर्मूले में एन की जगह पे वन पुट करते हो तो आपको सीरीज की पहली टर्म मिलती है। अगर आप एन की जगह टू पुट करोगे तो सीरीज की दो टर्म का सम मिलता है आपको, एन की जगह थ्री पुट करोगे तो सीरीज की तीन टर्म का सम मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर। तो जब मैं एन की जगह वन पुट करूंगा तो मुझे पहली टर्म मिलनी चाहिए। इसका मतलब अगर पहली टर्म मिल रही है तो बात बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, पहली टर्म यहां पे क्या है, थ्री है, ठीक है। यहां पे क्या करो, इसमें एन की जगह पे वन पुट कर दो, यहां पे भी एन की जगह पे वन, यहां पे भी एन की जगह पे वन पुट कर दिया। अच्छा जी, ये वन लिखो ना लिखो, बात है कि वन से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। वन प्लस वन क्या होता है, टू के बराबर, टू से टू कैंसिल, थ्री इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब आप ये कह सकते हो पी ऑफ वन इज ट्रू। इसको एक नाम का सवाल, मेरा नाम दे देना पी ऑफ एन का, इस तरह एकदम पी ऑफ एन और उसके आगे कॉलन लगा देना। बताने के लिए पी ऑफ एन का मतलब प्रोपोजिशन है ये। तो नीचे मैंने क्या लिखा, ये प्रोपोजिशन एन की वन वैल्यू पे ट्रू है, तो इसका मतलब पहला इनिशियल बेसिक केस जो है ना वो तो आपको होना चाहिए। इसको आप कहते हो बेस केस। के डोमिनो फैक्टर क्या बताता है, पहला बिस्किट गिरना चाहिए, पहला गिरेगा तो बाकी बिस्किट आपके गिर रहे होंगे, अगर पहला नहीं गिरेगा तो बाकी क्या करेंगे। तो ये बेस केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने प्रूफ कर दिया कि एन की वैल्यू वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, ये काम आपने हर सवाल के अंदर करना है। अब सवाल देखो यहां पे कितने ज्यादा, अगर मैं सब करवाऊंगा तो
टाइम लग जाएगा। बेसिक बात आपको क्या क्लियर करनी है, एन की वन वैल्यू पे आपकी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, आपकी स्टेटमेंट ठीक है। आपने यहाँ पे एन वन पुट किया तो पहली टर्म आनी चाहिए थी, बिल्कुल पहली टर्म आ रही है, इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अब आप मूव करोगे सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस को आप कहते हो इंडक्टिव केस। अब इंडक्टिव केस क्या होता है, इंडक्टिव केस क्या होता है कि आपने यहां पे एक assumption करनी होती है। क्या assumption करनी होती है, पेपर में आपने ऐसी वर्डिंग लिखनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपने लिखना होता है एज्यूम दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब यहां पे आप एक assumption कर रहे हो, मैं बताता हूं इस assumption के बारे में, बताता हूं क्यों कर रहे हैं हम यहां पे। आप assumption कर रहे हो कि जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये n की किसी खास वैल्यू k पे ठीक है। वो k कुछ भी हो सकता है, वो k1 भी हो सकता है, वो k2 भी हो सकता है। मतलब k की वैल्यूज क्या हो सकती है, 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है ना, नेचुरल नंबर 1 होता है और 1 से ऑनवर्ड। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ऑनवर्ड भी हो सकती है। तो आपने बात एज्यूम करनी है कि जो प्रोपोजिशन है वो आपकी ट्रू है, मतलब ठीक है, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है n वैल्यू k के ऊपर। मतलब यहां पे n की जगह अगर मैं k पुट करूं तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आपने एज्यूम करना है। तो देखने में कैसे लगेगी, दैट इज अगर आपकी स्टेटमेंट n इक्वल टू k पे ठीक है तो आप स्टेटमेंट में n की जगह k पुट कर दो तो आपकी स्टेटमेंट ऐसी नजर आएगी आपको। मैंने एज्यूम क्या किया, आपकी स्टेटमेंट n की वैल्यू k पे ठीक है, वो k कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। मैंने एज्यूम किया कि k पे आपकी वैल्यू जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, मतलब ये पूरी चीज जो है ये इसके बराबर है। किस वैल्यू पे, n की वैल्यू k पे, तो मैंने n की जगह k पुट किया, एज्यूम किया कि पूरी चीज जो है ये इसके बराबर है। सवाल है कि मैं एज्यूम कर क्यों रहा हूं, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, एज्यूम क्यों किया मैंने। अब यही रीजन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नॉर्मली इसको बताया नहीं जाता क्योंकि वजह है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर इस रीजन में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो रीजन बताई नहीं जाती। लेकिन रीजन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद जरा देखते हैं कि इसकी रीजन क्या है, क्यों आप एज्यूम कर रहे हैं यहां पे। ये स्टेप जब आप लिखोगे ना, हर सवाल में आप लिखते हैं कि एज्यूम दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, इस प्रोपोजिशन में आप एन की जगह के पुट कर दोगे। कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि आप एज्यूम करते हो कि आपकी स्टेटमेंट एन इक्वल टू के पे ट्रू है, ये आपने क्या किया, एज्यूम किया। इस assumption को इस्तेमाल करके आपने प्रूफ ये करना होता है कि आपकी स्टेटमेंट k प्लस वन पे ट्रू है, यह आपको प्रूफ करना होता है। अब क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसका जरा गौर से समझो इस बात को। ये जो मैंने बोला ना एज्यूम, ये कोई असल में आप एज्यूम कर नहीं रहे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, ये एक वैलिड रीजन है कि आपने ये चीज लिखी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है n इक्वल टू वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो n इक्वल टू k का मतलब k वन भी तो हो सकता है ना। आप इसको इस तरह समझो कि आपने n इक्वल टू वन पे आपको पता है कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है, ये वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, बस इसको मैंने जनरलाइज कर दिया है। ये जो एज्यूम की वर्डिंग आपको नजर आ रही है वो लिखने की वजह ये है कि मैंने वन की जगह पे यहां पे k लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने इसको एज्यूम बोला, वरना ये कोई बेसिकली एज्यूम्पशन नहीं है। ये तो मुझे पहले केस ने बताया है कि मेरी स्टेटमेंट वन पे ठीक है, ये मैंने कोई एज्यूम नहीं किया। एज्यूम की वर्डिंग लिखी हुई इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे के लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे वन लिखता तो वो एजम्पशन नहीं होती, मैंने वन की जगह पे यहाँ पे के लिखा हुआ है तो एज्यूम इसका मतलब बन रहा है। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझो, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, वन पे आपने स्टेटमेंट ठीक प्रूफ हो गई है कि वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अगर वन के बाद जो नंबर है उस पे स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, अगर आप किसी तरह प्रूफ कर दो कि एन इक्वल टू टू पे भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो लाइफ आपकी काफी आसान हो जाएगी। कैसे, n इक्वल टू वन पे ठीक है, आपने प्रूफ कर दिया कि आपकी स्टेटमेंट n इक्वल टू टू पे ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे बाद में आते हैं उसके ऊपर। अगर आपने प्रूफ कर दिया n इक्वल टू टू पे ठीक है तो इसका मतलब n की सब वैल्यू पे ठीक है। कैसे, अगर n की वैल्यू टू पे ठीक होगी तो आप ये प्रूफ कर पाओगे कि n की वैल्यू थ्री पे भी ठीक है, अगर n की वैल्यू थ्री पे ठीक है तो आप ये प्रूफ कर पाओगे कि n की वैल्यू फोर पे भी ठीक है, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट है। मैंने पहले बताया था, एक बिस्किट गिर रहा है इसका मतलब उसके अगले वाला भी गिरेगा, अगर दूसरा गिर रहा है इसका मतलब तीसरा भी गिरेगा, अगर तीसरा गिर रहा है इसका मतलब चौथा भी गिरेगा। तो सबसे पहले आपने ये बेस केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसकी अहमियत बच्चों को पता नहीं है, वो कहते हैं सर बेस केस की जरूरत क्या है, इस स्टेप पे डायरेक्ट आ जाओ। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आप लोग का सवाल ये होगा कि बेस केस की क्या जरूरत है सर, असल मेन कॉन्सेप्ट तो यहां पे है। तो वजह बता रहा हूं कि जो एजम्पशन आप लिख रहे हो ना, ये बेसिकली कोई एजम्पशन नहीं है, ये असल में ये वाला केस है।
कि n इक्वल टू वन पे आपने प्रूफ कर दिया कि स्टेटमेंट ठीक है, और इसको इस्तेमाल करके आप प्रूफ करोगे n इक्वल टू टू पे आपके स्टेटमेंट ठीक है। जैसे आपने इसमें प्रूफ कर दिया तो इसको इस्तेमाल करके आप प्रूफ करोगे n इक्वल टू थ्री पे ठीक है, इसको इस्तेमाल करके प्रूफ करोगे इस पे ठीक है। तो इस तरह n की सारी वैल्यूज आपकी कवर हो जाएंगी। यही चीज मैंने जनरलाइज वे में इस तरह लिखी हुई है कि मैंने n इक्वल टू वन पे ठीक किया था ना, तो मैंने एज्यूम किया कि n इक्वल टू के पे आपके स्टेटमेंट ठीक है, और इस एजम्पशन को लेके मैंने प्रूफ करना है कि k प्लस वन पे ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है, अगर k वन है तो वन प्लस वन टू, अगर k टू है तो टू प्लस वन थ्री, अगर k थ्री है तो थ्री प्लस वन फोर, मतलब जो वैल्यू यहां पे कवर है उससे अगली यहां पे कवर हो जाएगी। तो ये जो मैंने एजम्पशन, पहला सवाल का जवाब, बच्चे कहते हैं सर एज्यूम अपनी तरफ से क्यों किया, तो मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, जो बात मैंने यहां पे प्रूफ की थी ना उसको मैंने जनरलाइज अंदाज में लिखा है कि एज्यूम कर लो कि n इक्वल टू k पे ठीक है, क्यों, क्योंकि n पे वन पे ठीक थी ना, तो एज्यूम कर लो k पे ठीक है वो, और इस एजम्पशन को लेके k प्लस वन पे ट्रू साबित कर दो। k प्लस वन का मतलब टू, मतलब वन पे ठीक है तो टू पे प्रूफ कर दो। अगर ये चीज आपने प्रूफ कर दी तो ये स्टेटमेंट जनरलाइज हो जाएगी, क्योंकि k अगर आप टू लोगे तो ये थ्री हो जाएगा, k अगर आप थ्री लोगे तो ये फोर हो जाएगा। इसका मतलब सारी n की वैल्यूज पे आपकी स्टेटमेंट ठीक साबित हो जाएगी। जितना हो सकता था मैंने समझाया है इसको, अगर आप मजीद सोचोगे तो बात समझ आएगी, वरना कॉन्सेप्ट समझना इसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एजम्पशन आपने की जो कि मैंने बताया, एक्चुअल में कोई ऐसा एजम्पशन नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर अपनी तरफ से अज्यूम करके अपनी तरफ से आपने प्रूफ कर दिया, क्या इसके सेंस बनी, तो उसकी सेंस में बता रहा हूं कि एजम्पशन नहीं है। ये मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बात नहीं बताई थी, क्योंकि सवाल किसी ने पूछा नहीं था। तो लास्ट ईयर जो मैंने चैप्टर नंबर 8 पुरानी बुक के मुताबिक यही था जब अपलोड किया, उसमें पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा। ये पॉइंट इस दफा मैं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने बात पूछी थी कि भाई एज्यूम क्यों कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो ये कोई अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर रहे, ये बात ऑलरेडी आपने यहाँ पे वेरीफाई कर ली है। इसी बात को जनरलाइज अंदाज में आपने के लिखा हुआ है, एज्यूम कर लो के वन है, तो उसका मतलब कुछ एज्यूम तो नहीं आपने किया, तो बिल्कुल ठीक है, के पे वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, और आप के प्लस वन मतलब टू पे प्रूफ कर रहे हो। अगर आपने टू पे प्रूफ कर दिया तो स्टेटमेंट जनरलाइज है, के अगर टू होगा तो ये थ्री है, के फोर होगा तो ये फाइव है, तो सब वैल्यूज पे आपकी बात कवर हो जाएगी। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो बस सब वैल्यूज पे वो ठीक मानी जाएगी और सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात, अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है रिकॉर्डिंग से देख लेना, मजीद और समझ आ जाएगा। अब जरा स्टेप्स पे आ जाओ, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहां तक क्या किया था, हमने अज्यूम किया कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो के पे ठीक है, और अब आपको क्या प्रूफ करना है कि के प्लस वन पे भी ठीक होनी चाहिए। इसको कैसे लिखोगे, वर्डिंग के अंदर आप लिखोगे नाउ वी शैल हैव टू, इसकी वर्डिंग बुक में लिखी भी है, अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक है, आई है, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। भाई हमने एज्यूम किया कि n इक्वल टू k पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो स्टेटमेंट दिखने में आपको कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड इसके बराबर ही, हमने एज्यूम किया। हमने प्रूफ क्या करना है कि n इक्वल टू के प्लस वन पे भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, हम ये प्रूफ करेंगे कि जो आपकी प्रोपोजिशन है वो n इक्वल टू के प्लस वन पे ट्रू है। प्रूफ फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, सवाल है कि अगर आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे ट्रू होगी तो वो दिखने में कैसे लगेगी। और जो चीज आप प्रूफ करना चाह रहे हो, यहां पे सवाल है कि क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, n इक्वल टू के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में कैसे लगेगी जो आपने प्रूफ करना है। यहां पर वही चीज मैं लिख लगा, दैट इज n इक्वल टू के प्लस वन का मतलब यह है कि जो सवाल में लिखा हुआ है ना, इसमें n की जगह पे आप k प्लस वन पुट करोगे। अब जरा इस लॉजिक को समझना, क्योंकि ये वो स्टेप है जो नॉर्मली टीचर सॉल्यूशन के वक्त नहीं करवाते, वो डायरेक्ट मेन मेथड पे आ जाते हैं जो भी आप लोग करोगे। रट्टा, सिंपल रट्टा चल रहा है, तो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूँ। ये स्टेप लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में लिखा हुआ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है पूरा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये nth स्टेटमेंट थी। आप लोग को पता है, आप nth का मतलब होता है जनरलाइज बात हम करते हैं। जो n की जगह आपने क्या पुट किया था, k पुट किया था, k टर्म है। k के बाद वाली टर्म कौन सी होगी, k प्लस वन। जैसे n के बाद वाली टर्म क्या होती है, n प्लस वन, इसी तरह k के बाद वाली टर्म क्या होगी, k प्लस वन होगी। तो ये kth टर्म है, तो इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी, ये जनरल टर्म है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, एक सीरीज है जिसकी जनरल टर्म है एन स्क्वायर, ये इसकी जनरल टर्म है। मैं बोलता हूं आप kth टर्म निकालो, तो आप कहोगे सर इसकी जगह k पुट कर दें। और मैं अगर आपको बोलूं कि यार इसकी k प्लस वन टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे, सर जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना उसमें एन की जगह के प्लस वन पुट कर दो। तो ये kth टर्म होगी। जनरल टर्म जो है वो आपने देखी नहीं होती, जनरल टर्म के अंदर आप वैल्यूज पुट करते हो तो वो टर्म्स आ जाती है। ये जनरल टर्म है, इसमें एन की जगह के पुट करोगे तो kth टर्म आ जाएगी।
इसमें के प्लस वन पुट करोगे तो के प्लस वन टर्म आ जाएंगे। तो ये काम आपने यहां पे करना है कि के टर्म लिखी हुई है, जबकि आपको प्रूफ करना है कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे ठीक है नहीं। तो इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, के प्लस वन कैसे आएगी, बड़ा इजी है निकालना। के टर्म है यहां पे 3k, ठीक है। इसके बाद जो टर्म होगी वो होगी के प्लस वन, कैसे आएगी, जो जनरल टर्म है ना उसमें पुट कर दो एन की जगह के प्लस वन, इसलिए के प्लस वन पुट करोगे क्या हो जाएगा 3k प्लस वन। तो ये हो गई के टर्म, इसको आप बोलोगे के टर्म, और ये वाली कौन सी टर्म होगी, इसको आप बोलोगे के प्लस वन टर्म, ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक सीरीज लिखी भी हो 2 का स्क्वायर, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे इसकी nth टर्म क्या है, इसकी nth टर्म है n का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसकी n प्लस 1 टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी अगली वाली टर्म क्या होगी, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगली वाली टर्म तो ये होगी ना इसकी। तो एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया कि kth टर्म है तो k प्लस 1 क्या होगी। अब अगर जो सवाल में आपने प्रूफ करना था कि आपकी स्टेटमेंट k प्लस 1 पे ठीक है, तो मैंने बताया था k प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट नजर कैसी आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड तो उसकी ये होगी, राइट हैंड साइड क्या होगी, अगर भाई ये पूरी चीज इसके बराबर है, स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी ना, अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब ये पूरी चीज इसके बराबर है, तो फिर लॉजिक क्या है यहां पे, लॉजिक ये है कि अगर आप यहां पे n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 टर्म का समान आना चाहिए ना, तो यहां पे भी n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो। पर सिंपल सी बात है, जो सीरीज का फॉर्मूला होता है उसे मैंने क्या बताया था, n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 टर्म का सम आएगा, n की जगह 10 पुट करोगे तो 10 टर्म का सम आएगा, अगर n की जगह k पुट करोगे तो k टर्म का सम आएगा, तो आपने यहां पे k पुट कर दिया था। और अगर आप यहां पे n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो k प्लस 1 टर्म का सम आना चाहिए, ये पूरी k प्लस 1 टर्म है, इसका पूरा सम आना चाहिए, तो आप क्या पुट करोगे इस फॉर्मूले में, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दोगे। तो पुट कर देते हैं, n की जगह पुट किया k प्लस 1, इसी तरह यहां पे n की जगह पुट कर दो k प्लस 1, और ये प्लस 1 अपनी जगह पे, जहां जहां n आ रहा था वहां पे मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया। तो आपको असल में ये चीज प्रूफ करनी है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ना, नाउ वी शैल प्रूव दैट प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये स्टेटमेंट k प्लस 1 पे ठीक है ना, तो ये दिखने में ऐसे लगेगी आपको कि पूरी चीज जो है ये इसके बराबर होगी, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो n इक्वल टू k प्लस 1 पे ऐसे नजर आएगी, ठीक है। ये आपने चीज प्रूफ करनी है, अभी ये प्रूफ हुई नहीं है, ये आपने प्रूफ करना है कि k प्लस 1 पे अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो उसका मतलब आप यहां पे n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो, तो जो पूरी k प्लस 1 टर्म का सम है वो इसके बराबर होगा। ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि पूरी चीज जो है ये इसके बराबर है। अगर पूरी चीज इसके बराबर किसी तरह आपने प्रूफ कर दी तो सवाल आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप नॉर्मली स्किप करवा दिया जाता है, लेकिन मेन चीज है यहां पे आप सीख रहे हो कि आपको प्रूफ क्या करना है। एक सवाल समझ लो, पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नया काम नहीं है, बस एक सवाल अगर आपने सही तरह समझ लिया, पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी आप, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, सवाल है कि इसको प्रूफ कैसे करना है, उस वाले स्टेप पे आ जाओ। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी इसके बराबर आनी चाहिए, ये आपने प्रूफ करना। अच्छा, अभी आपने प्रूफ नहीं किया, अगर आप ऑब्जर्व कर रही तो आपने प्रूफ ही नहीं किया, आपने तो इसके अंदर के प्लस वन पुट कर दिया। अब आपको क्या पता कि क्या ये पूरी चीज वाकई इसके बराबर है या नहीं, आपको तो ये तो प्रूफ करना है। तो अभी ये मत समझना कि मैंने प्रूफ कर लिया, ये तो मैंने तुक्का मारा है, मुझे तो नहीं पता ये पूरी चीज इसके बराबर है या नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज क्या लिखी है, मैंने लिखा है कि अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो ये ऐसी नजर आएगी कि आप एन की जगह डायरेक्ट के प्लस वन पुट करोगे। तो ये प्रूव नहीं हुई, इसको मैंने एज्यूम किया कि अगर ये ठीक होती तो ऐसी नजर आती। अब ये चीज आप प्रूफ करो तो सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रूफ कैसे करोगे, आप आओगे स्टेप के ऊपर। अगर इसको मैं नाम दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको वन का नाम दे देते हैं। अगर आप देखो तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक थी, आपने इसको एज्यूम किया था, मैंने बताया था एज्यूम किया नहीं है, हकीकत में ये इसी चीज को लिखने का डिफरेंट तरीका है। ये वो बात है जो नॉर्मली बुक में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, सर्च करोगे शायद आपको मिल जाए कि ये आपने बेसिकली एज्यूम नहीं किया, असल में यही चीज है, इसको लिखने का डिफरेंट तरीका था। तो आपने यहां पे क्या किया था, एज्यूम किया एन इज इक्वल टू के पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, मतलब ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये आपकी ठीक है। जब कोई चीज आपकी ठीक है तो आप उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करो तो स्टेटमेंट तो ठीक ही है ना वो। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब मैं लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ भी ऐड करूं तो तब भी आपकी स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब मैं लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ भी ऐड करूं, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पे 3 ऐड कर दिया, अभी भी स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी।
टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस थ्री फोर, फाइव इज ग्रेटर देन फोर। तो जब आपके स्टेटमेंट ठीक है तो आप लेफ्ट और राइट को कुछ भी ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। यही काम करते हैं हम, हमें पता है स्टेटमेंट ठीक है, आप इसकी लेफ्ट और राइट को कुछ ऐड करो। वो क्या ऐड करोगे? ये वाली ड्रम, जो के प्लस वन वाली ड्रम होगी वो आप लेफ्ट और राइट पे ऐड करोगे इक्वेशन नंबर वन के। तो मैं लिखूंगा इसको एडिंग 3k प्लस वन इन इक्वेशन नंबर वन बोथ साइड। वर्डिंग थोड़ी सी आउट है मेरे पेपर में, तो आप कोई भी वर्डिंग लिख दो सही है। मैं इसलिए अच्छी वर्डिंग लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरा सॉल्यूशन जाहिर सी बात है सब बच्चे देख रहे होंगे, फिर थोड़ी बहुत गलती हो तो अच्छा नहीं लगता। पेपर में तो आप इंग्लिश आगे पीछे लिख दो, कोई मसला नहीं है। एडिंग टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इसका लिख दू टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन जो है इसमें आपने दोनों तरफ क्या करना है, 3k प्लस वन ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं, इक्वेशन है 3 प्लस 6 प्लस 9 डॉट डॉट डॉट, 3k ऑलरेडी मौजूद था। अब देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया है 3 मल्टीप्लाई के प्लस वन, सेम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें भी ऐड कर दो 3k प्लस वन। अब देखो ये स्टेटमेंट ठीक थी, मैं इसमें कुछ भी दोनों तरफ ऐड करो ठीक ही मानी जाएगी। अब आपकी कोशिश क्या होनी है, कोशिश ये होनी है देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी यही है ना, असल में आपको ये चीज प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, किसी ना किसी तरह आपने इस पूरी चीज को इसके बराबर प्रूफ करना है। अगर आपने इस पूरी चीज को इसके बराबर ले आए सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा कि यार ये पूरी चीज जो है ये इसके बराबर आ गई। बेसिकली ये चीज आपने लानी है, ये स्टेप लिखवाने का मकसद था आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चीज आपने लानी है। लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, किसी तरह राइट हैंड साइड को भी इसके बराबर प्रूफ कर दो, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। और इसको देखो मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं इसको के प्लस टू भी लिख सकता था लेकिन ये मैंने बताया इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मैं एन की जगह पे के प्लस वन पुट किया था, ये बताने के लिए। इसको सिंप्लीफाई ना करो बेहतर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि एन की जगह मैंने के प्लस वन पुट किया है। तो सेम किसी तरह इसको आपने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो भाई हर सवाल के अंदर ना ये वाला स्टेप असल में इंपॉर्टेंट है, ये बाकी के स्टेप बहुत बच्चों वाले हैं। जरा खुद ऑब्जर्व करो, एन इक्वल टू वन पे प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ये दो स्टेप लिखना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं, जो सवाल लिखा हुआ उसमें एन की जगह के पुट करना है। क्या ये वाला स्टेप लिखना बहुत बड़ी बात है? नहीं, ये के ड्रम है, इसके बाद वाली ड्रम कैसे आएगी के प्लस वन, इसके अंदर पुट करोगे तो के प्लस वन ड्रम आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में इनकी जगह राइट हैंड साइड में इनकी जगह के प्लस वन पुट करना ही आ जाएगी। तो ये दो स्टेप लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह ये स्टेप लिखना बड़ी बात है, दोनों तरफ आपने ऐड करवाया है, जो चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो आप इक्वेशन वन में दोनों तरफ ऐड कर दोगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है इन सवालों के अंदर कि इसको आपने इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये असल काम है। तो दैट्स व्हाई मैं बाकी जितने भी सवाल है ना वो सब मैं आप लोगों को यहां से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि शुरू का कॉन्सेप्ट आप लोग कर लोगे, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग ये वाला स्टेप आसानी से कर लोगे। सवाल है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हर सवाल में थोड़ा अलग होता है, किसी सवाल में मुश्किल होता है, ज्यादा स्टेप करने पड़ते हैं, किसी में डायरेक्ट आसानी से हो जाता है। तो ये वो चीजें जो मैं आप लोगों को बाकी सवालों में बताऊंगा, बाकी सवालों में स्टार्टिंग की चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग का खुद करोगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है जहां पे बच्चे फंसते हैं वो मैं इंशाल्लाह हर सवाल में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। खैर अब इसको हमने कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दिखने में आपको लग रहा है कॉमन 3 और k प्लस 1, ये दोनों टर्म में आ रहा है। तो आप लिखो कॉमन आपने लिया 3 और k प्लस 1, जब आप पहली टर्म से कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक तो 1/2 बच जाएगा और यहाँ पे k बच जाएगा, तो आप लिख सकते हो k/2 बच गया 3 और k प्लस 1 तो आपने कॉमन ले लिया। इससे जब 3 k प्लस 1 कॉमन लिया तो 1 बचा। अच्छा जी सिंप्लीफाई करो, 2 1 2 2 को k में ऐड करो, ये हो जाएगा k प्लस 2/2, ये सिचुएशन बनेगी। अब कुछ आप अरेंज करो, इस 2 को 3 के नीचे लिख लो, हो जाएगा 3/2 k प्लस 1। ये जो k प्लस 2 है इसको लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल इस तरह आपने लिखना है। आपको नजर आ रहा है कि k प्लस 2 आ गया आपके पास, लेकिन कोशिश करो इस चीज को आपने इस अंदाज के फॉर्म में लिखना है। कैसे k प्लस 2 को कैसे लिखोगे, k प्लस 1 और उसके आगे प्लस 1, दैट्स इट। जैसे आपकी राइट हैंड साइड इससे मैच करके सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसी स्टेप आपके पास आ गया, अब आपने एक वर्डिंग लिखनी है। ये वर्डिंग अगर पेपर में आगे पीछे भी कर दो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो मेरे सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा हो ना। आप लोग पेपर में इंग्लिश में हल्का बोलो अगर तो कोई मसला नहीं, स्टेप इस समय मैटर कर रहे होंगे। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, दैट इज जो आपकी प्रोपोजिशन है इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन।
इसके आगे वर्डिंग आप लिख सकते हो व्हेनेवर इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप इस तरह लिख सकते हो कि जो आपकी प्रोपोजिशन है वो ट्रू है फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन व्हेनेवर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, क्योंकि यही चीज आपने प्रूफ की थी ना, आपने एज्यूम किया था कि आपके स्टेटमेंट के पे ठीक है और एजम्पशन को लेके आपने चले थे कि यार के प्लस वन पे आपको प्रूफ करनी है, तो के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट प्रूफ होगी है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, के प्लस वन पे वैलिड है, मतलब अगर आप डायरेक्ट इसमें के प्लस वन पुट करो बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो आपने क्या लिखा, प्रोपोजिशन है वो ट्रू है के प्लस वन पे वेर एवर पी एफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, वही बात कि अगर पहला वाला डोमिनो गिरा है या इसको इस तरह समझ लो, पहला वाला अगर बिस्किट गिरा है तो दूसरा भी गिरेगा, के प्लस वन का मतलब है बाद वाला बिस्किट, के का मतलब है पहला वाला बिस्किट, अगर तीसरा गिर रहा है तो चौथा भी गिरेगा। तो आपने प्रूफ कर दिया कि एज्यूम किया था कि तीसरा गिरा है, तो तीसरा गिरा है इसको लेके आपने प्रूफ किया कि चौथा भी गिरा है, तो फिर अब ये स्टेटमेंट जनरलाइज है, अगर पांचवा गिरा है तो छठा भी गिरेगा, अगर दसवां गिरा है तो ग्यारहवां भी गिरेगा। इसका मतलब ये है कि एन की सारी नेचुरल वैल्यूज पे आपके स्टेटमेंट ठीक होगी, आपको अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं है, सब नेचुरल नंबर इसमें कवर हो गए। तो आप लिखोगे दैट इज प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के व्हेनेवर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कि जो गिवन प्रोपोजिशन है ये ट्रू है सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, मतलब सब नेचुरल नंबर्स के लिए। ये पेपर में चार नंबर के अंदर लाजमी सवाल आएगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर, चार नंबर के अंदर लाजमी एक सवाल पेपर में बनेगा, इसका 7.1 में से एक सवाल लाजमी आएगा। सवाल आपने देख लिया, अगर इसको रट्टा मारना हो तो बड़ा इजी है, रट्टा मारना तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बहुत इजी इजी दो दो स्टेप है सारे, अगर उसमें आप याद करो ये वो मेन कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारना बड़ा इजी है। मैंने कोशिश किया था थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझा दूं, सवाल भी साथ समझा दिया, एंड पे लिख देना by principle of mathematical induction given proposition is true for all positive integer n। तो बस आपका प्रूव हो गया कि स्टेटमेंट सारे एन पॉजिटिव इंटीजर पे ठीक है। अच्छा एक बात मेरे जहन में आ रही थी एकदम से निकल गई है, हाँ ये वर्ड इंडक्शन था, ये इंडक्शन कहां से आ गया, अच्छा ये दो स्टेप जो होते हैं ना, एक होता है बेस केस एक होता है इंडक्टिव केस, बेस केस ये होता था एन इक्वल टू वन पे आप प्रूव करते थे, और दूसरा केस जो है ना ये एज्यूम वाला जो आप कर रहे हैं इसको आप कहते हैं इंडक्टिव केस। इंडक्शन जो है ना ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, इंडक्शन मुझे एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट याद तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता था, ये कॉन्सेप्ट था कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती थी, पता नहीं कॉन्सेप्ट कहां पे था ये, मेरे जमाने में तो मैं ख्याल चैप्टर नंबर 14 होता था सेकंड ईयर का, वहां पे कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जो है वो इंड्यूस होता है, इंड्यूस वो चीज होती है जो आपने प्रोड्यूस की है फोर्सफुली, फोर्सफुली कहना सही नहीं है मतलब प्रोड्यूस हुई है, वो आई है आपके पास किसी और फिनोमिना की वजह से, आप इस तरह समझ लो इसको। तो जो बेस केस है ना इसकी वजह से आपने एक चीज इंड्यूस की है, क्या इंड्यूस किया था कि एज्यूम करो कि एन इक्वल टू के पे ठीक है आपकी, तो ये इस स्टेप पे आप इंड्यूस कर रहे होते हो ना, तो दैट्स व्हाई इसको इंडक्टिव केस भी कह रहे होते हो आप। तो दो केस है, एक बेस केस होता है और एक इंडक्टिव केस होता है। बुक में नाम नहीं लिखे हुए उन्होंने अलग अलग, बुक में तो आपने इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक आखिरी सवाल है बच्चों का कि यार सर अगर हम बेस केस ना करें हम डायरेक्ट इस स्टेप पे चले जाए तो क्या सवाल आपका ठीक माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो भाई बेस केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप n इक्वल टू वन पे कोई स्टेटमेंट प्रूव नहीं कर रहे और डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ रहे हो उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपने रट्टा मारा है। ये जो एजम्पशन है मैंने बताया ये एक्चुअल में एजम्पशन नहीं है, ये इसकी बेसिस के ऊपर आपने जनरलाइज लिखा है बात। तो जब आपने बेस केस प्रूव ही नहीं किया और आपने जनरलाइज बात लिख दी है तो ये तो बेवकूफी वाली बात हुई है ना, कि ये जो आपने एज्यूम किया किस बेसिस पे एज्यूम किया है, एज्यूम करने की कोई बेस होनी चाहिए ना, आपकी तो बेस ही नहीं है, आपने डायरेक्ट एज्यूम कर लिया और बेस केस प्रूव ही नहीं किया तो आपका सवाल गलत माना जाएगा ठीक है। और पेपर में अगर आप ये वाला चीज नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, और अगर किसी सवाल में आपने बेस केस इग्नोर कर दिया तो मे बी वो सवाल गलत प्रूव हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, ये वाला, ये वो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन अपॉन टू। इधर हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, एन को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन
ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है ना, एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन का न्यूमरेटर ये बनेगा जब मल्टीप्लाई करोगे। मैं अपनी तरफ से ना यहाँ पे टू लिख देता हूं। अब आपको पता है बात गलत है, प्रूव हो ही नहीं सकती। क्यों? एन इक्वल टू वन पे आपको ये आंसर मिलेगा ही नहीं। स्टेटमेंट में जब आप एन की जगह वन पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए ना। आप पुट करके देखो, तो मैं यहाँ पे वन पुट करूंगा, यहाँ पे वन पुट करूंगा, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर अपॉन टू क्या होता है? टू के बराबर। इसका मतलब बेस केस प्रूव ही नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर आप बेस केस को इग्नोर कर दो यहाँ पे और डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाओ, यहां से अगर आप इस सवाल की वर्किंग स्टार्ट करोगे, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक प्रूव हो जाएगी। आप एग्जैक्ट वही काम करना, इसको के पे अज्यूम करना, एन की जगह पे के पुट करना, फिर लिखना कि हमें प्रूफ करना है के प्लस वन पे, यहाँ पे के प्लस वन पुट करना, ये वाली चीज एग्जैक्ट ये स्टेप फॉलो करना। आप ऑब्जर्व करोगे, इन स्टेप्स की मदद से आप ये प्रूफ कर पाओगे कि स्टेटमेंट आपकी ठीक है, हालांकि आपको पता है स्टेटमेंट गलत है। उसकी वजह यह है कि जो आपने एजम्पशन की है ये बेस केस के ऊपर की नहीं है, इसका बेस केस ठीक ही नहीं आ रहा। जब आप एन वन पुट कर रहे हो तो वेरीफाई हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जब आप बेस केस को इग्नोर कर दोगे ना, तो कितने ऐसे सवाल होंगे जिनमें ये वाले स्टेप जो है ये आपको सही आंसर बताएंगे, लेकिन हकीकत में वो गलत होगा। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जो आपने एजम्पशन की है वो एजम्पशन ही गलत की होगी आपने, क्योंकि बेस केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो एजम्पशन कैसे आप कर सकते हो? हो ही नहीं सकती एजम्पशन। तो दैट्स व्हाई बेस केस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस वाले केस की तो आप, अगर कोई बोले कि सर बेस केस कर लेते हैं और ये नहीं करते हैं, तो ये तो फिर टोटली गलत चीज हो जाएगी ना। बेस केस में एन इक्वल टू वन पे प्रूफ कर लोगे, टू पे प्रूफ कर लोगे, थ्री पे कर लोगे, लेकिन सब नंबर्स के लिए कैसे प्रूफ करोगे? जैसे वो मैंने प्राइम नंबर वाली एग्जांपल दी थी, उसमें 41 पे जाके मसला हो रहा था। तो इसका मतलब ये दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। एक भी अगर स्किप करोगे तो मसला आ जाएगा कुछ सवालों के अंदर, मे बी कुछ सवालों में टेक्निक सही हो जाए, लेकिन कुछ सवालों में मसला हो जाएगा। तो दोनों की अपनी अहमियत। इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू मैंने करवा दिया ना, कुछ इजी पार्ट है वो आप लोग ट्राई कर लोगे, कुछ थोड़े मुश्किल पार्ट है। पार्ट नंबर जो हो गया ना 12, 13, 14, इनको हम स्किप कर देंगे, चाहो तो आप लोग कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ, उनके पेपर में आने के चांसेस कम है। एक तो कुछ इसमें से बड़े सवाल है, आई गेस पार्ट नंबर 13 थोड़ा बड़ा है, चार नंबर के अंदर फिट नहीं होता, और बाकी कुछ ऐसे पार्ट है कि जो इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि पेपर में जब सवाल आते हैं तो वैल्यूज वाले आते हैं। जैसे शुरू में वैल्यूज अगर आप देखो ना अच्छी अच्छी हैं, एंड पे देखो जनरलाइज है, कुछ फॉर्मुले हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के वो प्रूफ कर रहे हो, कुछ बायनोमियल के फॉर्मुले हैं, तो इसलिए उनकी पेपर में इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। तो 12, 13, 14 इनको तो आपने डायरेक्ट स्किप कर देना है, क्योंकि अगर बिल्फर्स पेपर में आ भी गए, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना किस तरह प्रूफ करना है, तो इनको आप स्किप कर दोगे। हमने करना है पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 11 तक। तो पार्ट 1 बड़ा इजी है, पार्ट नंबर 2 तो खैर मैंने पूरा करवा दिया। जो आगे के पार्ट्स है ना बच्चों, मैंने डायरेक्ट उनको किस तरह सॉल्व करवाना है, ये जो ये वाली वर्किंग है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट्स इट। इसके आगे की मैं नहीं बताऊंगा, मतलब इससे पहले जो है ये आप लोगों को पता है किस तरह प्रूफ करना है, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, बाकी काम आप लोग आसानी से खुद कर सकते हैं।